अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अताबुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिला में आज हम सूरह अल अनआम की आयत नंबर 76 की एक्सपोजिशन करेंगे। जैसा कि इन आयात में सिलसिला चल रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, सबका आयत में बात ये की गई कि उसमें कहा गया कि और इसी तरह हमने इब्राहीम को दिखाया आसमानों और ज़मीन का इक्तदार, अल्लाह का इक्तदार आसमानों और ज़मीन में। और अल्लाह कहता है कि हमने इब्राहीम को दिखाया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। देखिए, ये कुरान करीम का एक अंदाज़ है बात करने का। मज़हब में तो फिर एक बड़ी पुरसरार कहानियां वज़ा की जाती हैं, अम्बिया को फिर आसमानों पर ले जाया जाता है और उनसे फिर वो कहा जाता है कि उनके मुतल्लिक कि वो वहां जाकर अल्लाह ने उनको मुशाहदात करवाए और इस तरह की जो चीज़ें हुई। देखें, ये जो चीज़ है ना नूरी, इस आयत में ये लफ्ज़ आ रहा है वकज़ालिका नूरी इब्राहीम, ये तो अम्बिया से हट के दूसरे लोगों के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हम उनको दिखाएं निशानियां। तो कायनात की तो एक एक चीज़ अल्लाह की निशानी है, सिर्फ यही नहीं कि ये जो आयत है कुरान की आयत यही अल्लाह की निशानी है। जो भी अल्लाह की तख्लीक है वो अल्लाह की निशानी है, आयत का मतलब ही निशानी होती है ना। तो कुरान की हर आयत अल्लाह की निशानी है, उसका यूनिक एक कानून है जो इंसान नहीं बना सकते। ऐसे ही कायनात की हर चीज़ जो है वो इंसान नहीं बना सकते। जैसे दरख्त है, फल हैं, फलों के जायके हैं, उनके कलर्स हैं, ठीक है, इसी तरह पहाड़ हैं, सूरज है, सितारे हैं, कहकशाएं हैं, पानी है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जानवर हैं, हशरात हैं रेंगने वाले, ज़मीनों के अंदर वो जो धातें हैं बेपनाह किस्म की और बड़ी कीमती, और गैसेस, पेट्रोलियम, ये चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि इंसान नहीं बना सकता उनको। और उनका ना वो निज़ाम चेंज कर सकता है। मसलन सूरज है, सूरज में इंसान की कोई अमल दखल नहीं है उसके निज़ाम के अंदर, उसके तुलू व ग़ुरूब के अंदर, उसकी मनाजल में जो जो रफ्तार है, जिस सिमत से वो बढ़ रहा है, जिस सिमत से वो हरकत कर रहा है, जिस अंदाज से वो काम कर रहा है, कि वो इंसान उसकी को हरकत को तब्दील कर दें, नहीं कर सकते, मुदाखलत नहीं कर सकते। जो कवानीन अल्लाह ने चीज़ों के अंदर रख दिए हुए हैं उनको नहीं बदल सकते। एक पानी को आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको आप उबाल नहीं सकते, आप ये अल्लाह का कानून है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आप उबाल सकते हैं, ये अल्लाह की निशानी है। दरख्त कैसे उगते हैं, उनके पत्ते आप उल्टा करके देखें, उनके ऊपर जो रगें बनी होती हैं जिनसे वो बेसिकली उनकी खुराक की नालियाँ होती हैं, वो जुड़ी होती हैं टहनियों के साथ, टहनियाँ जुड़ी होती हैं तने के साथ, तना जुड़ा होता है जड़ के साथ, ये निशानी है अलग कि वो ज़मीन से खुराक हासिल कर रहे हैं। और वो जो फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी में वो अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं पत्ते, आगे वो फिर फलों को ट्रांसफ़र करते हैं उस ग्लूकोज को। तो ये जितनी भी कायनात की चीज़ें हैं इनके अंदर रखे हुए कवानीन, तो बात यह है कि ये इसी दुनिया की इसी ज़मीन के ऊपर रहते हुए इंसान मुशाहदा करके, इंसानों ने हवा के अंदर, खला के अंदर उड़ना भी सीख लिया है, जहाज़ बना लिए हैं, समंदरों का सीना चीरती हुई वो अबदोजें चली जा रही हैं, ये क्या है, ये इसी ज़मीन के ऊपर रहते हुए। साइंसदानों ने तो कोई ऊपर जाके कोई अल्लाह के वो सात आसमान विज़िट नहीं किए, जो मज़हब की रूह से वो भी एक अफसाना है, सात आसमान, तो वो चीज़ें की हुई हैं, क्योंकि अरबी के अल्फाज जो है वो तो वाज़े हैं, समावात, समा
आसमान और समावात आसमान यानी जमा, तो वो तो फजाई बुलंदियां हैं। आज साइंस भी यही कह रही है कि फिजिकली ये ऐसे शीशे की कुछ हद नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से हमें आसमान नीला नजर आता है, जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ये स्याह था आसमान। तो जब ये इर्तकाई मराहल तय करते हुए कायनात आगे बढ़ी है तो ऑक्सीजन आई तो फिर जाके ये फिर आसमान जो है वो नीलगुन लगने लगा और समंदर का जो पानी है वो नीला और इस तरह वो सब्ज रंग का वो नजर आने लगा। तो ये इस तरह से चीजें हुई। तो फिजिकली तो आसमान कोई चीज नहीं है, ये तो हाइट्स है, बुलंदियां हैं, और वो ही लफ्ज़ कुरान यूज कर रहा है समा और समावात, जिसके माने बुलंदियां हैं। तो कायनात का जो मुशाहिदा है, जिस तरह से वो मौजूदात वजह करके बनाते हैं, इस तरह की इन चीजों की कोई हकीकत नहीं है। अंबिया को तवज्जो दिलाई गई कि गौर करो ये कायनात का निजाम, किस तरह से ये दरख्त उग रहे हैं, किस तरह से जमीन से फसलें उग रही हैं। उस वक्त तो यही था ना सादा दौर, या अगर कोई समंदर है तो गौर करो ये कैसे है, इसका पानी नमकीन, तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर कैसे कश्ती तैर रही है, कैसे इंसान तैरते हैं, आखिर एक कानून है ना, अगर वो ना हो इंसान डूब जाए, तैर ही ना सके। पानी ऊपर उठता है भाप बनकर, सूरज की वो जो हरारत है, ये हिद्दत है, उससे समंदर का पानी भाप बनकर उठता है, तो उसमें वो नमकियात भारे होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर साफ मीठा पानी ऊपर जाता है, वो बादल बनता है, फिर हवाएं उनको लेके फिर बारिश बरसाती हैं। तो ये इसी जमीन के ऊपर रहकर सारी ये निशानियां इंसान देख रहा है, इसके लिए को आसमानों में जाना तो जरूरी नहीं है। ये चीज समझ आ रही है? तो वो तो दौर भी बड़ा सादा था। तो ये निशानियां इसी जमीन के ऊपर रहकर अल्लाह ने दिखाई, यानी अल्लाह ने दिखाई से मुराद है अल्लाह ने गाइड किया कि गौर करो कायनात की चीजों के ऊपर, तो इससे तुम्हें अल्लाह की निशानियां नजर आएंगी कि किस तरह ये कायनात की हर चीज अपनी अपनी ड्यूटी दे रही है। तो ये इसके माने। इसके बाद क्या ये रहा है कि ये जो कुछ भी हमने इब्राहिम से कहा कि आसमान और जमीन का इक्तदार, इसके लिए लफ्ज आ रहे हैं ना, कि क्या ये रहा है कि मलकूत समावाती वल अर्थ, आसमानों और जमीन का इक्तदार ये दिखाया अल्लाह ने, इसकी निशानियां दिखाई कि अल्लाह का इक्तदार देखो तो सही, किस तरह समंदर जो है रवा दवा है, उनके ऊपर कश्तियां तैर रही हैं, किस तरह सूरज वक्त पर तुलू हो रहा है, ग़ुरूब हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है इब्राहिम को। जाहिर है वो बड़ा सादा दौर था, और ये चीज जो है ये बताई जा रही कि देखो कायनात का निजाम देखो, उसमें अल्लाह की निशानियां देखो, आसमानों और जमीन में अल्लाह का इक्तदार अगर देखना है तो उसकी ये निशानियां देखो, किस तरह ये समंदर, ये पहाड़, ये जमीन, इसकी फसलें जो इसके ऊपर उग रही हैं, इसके जमीन के अंदर जो कुछ खजाने हैं, और ऊपर जो हवा, ऑक्सीजन, फिर सूरज की हरारत, रोशनी, तो यही इस दुनिया के ऊपर रहकर ये मुशाहिदा हुआ। इसी को वो कह रहा है कि हमने आसमानों और जमीन का इक्तदार, इसकी जो निशानियां हैं, हमने इब्राहिम को दिखाई। इसके बाद क्या ये रहा है कि इसका मकसद क्या है दिखाने का, वो बता रहा है, कहता है कि वाली यकूना मिनल मुकिनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। अब ऐसी बात नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन था, लेकिन एक चीज होती है कि दलाइल के साथ समझा दी जाए, बता दी जाए, खाली यकीन होना और चीज है, लेकिन किसी चीज को
मुशाहिदा करके समझना और चीज होती है, इससे और यकीन बढ़ जाता है। तो कायनात के ऊपर जब उन्होंने मुशाहिदा किया, कायनात की चीजों के ऊपर, कायनात के निजाम के ऊपर, तो उससे फिर इब्राहिम का जो यकीन था अल्लाह के इक्तदार के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। ये चीज है, इसीलिए जो कुरान करीम के अंदर आयात है कि मुशाहिदा करो, वसीरु फिल अर्ज़, जमीन में चलो फिरो और देखो, ये आ रही नहीं चीजें कुरान के अंदर, ये इन आम इंसानों से भी कही जा रही है। ये नहीं कि सिर्फ अंबिया को कहा गया कि तुम देखो, मुशाहिदा करो, गौर करो, सारे इंसानों को कहा जा रहा है। अंबिया को, इसमें अंबिया भी आ गए, तमाम इंसान आ गए, देखो गौर करो कायनात के निजाम के ऊपर। तो ये चीज, क्योंकि वो दौर जो था बड़ा सादा था, तौम परस्ती का दौर था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दौर था उस दौर में तौम परस्ती बहुत, आज बहुत ज्यादा ये 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है, आज भी हम मुस्लिम कहलाने के बावजूद वही हिंदुआना तौम परस्ती में मुबतला है आज। तो सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हजारों साल पहले थे, उस दौर में लोग कितने सादा होंगे, जब साइंस टेक्नोलॉजी की कोई चीज नहीं थी, बुत परस्ती थी, जहालत थी, तारीकी थी। उस तारीकी के दौर में जहालत की किस किस शक्लों से वास्ता पड़ता होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो उनको कहा गया कि इनकी जहालतें एक तरफ रखो, तुम कायनात के निजाम के ऊपर गौर करो और इनको दलाइल दो कि ये कायनात का ये निजाम है, तुम बताओ इस निजाम को चलाने वाला एक अल्लाह है या जिनको तुम अपना माबूद समझ रहे हो, जिनको तुम अपना खुदा समझ रहे हो, वो हैं। सोचो तो सही, जिनको तुम अपने हाथों से तराशते हो और उनको तुम खुदा मानते हो, तो क्या वो अल्लाह के इस इक्तदार में शरीक हो सकते हैं या इस इक्तदार के वो मालिक हो सकते हैं? ये चीज कही जा रही। तो अब हम आते हैं आज की आयत की तरफ, सूरह अल अनआम आयत नंबर 76। क्या ये रहा है? फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु, फिर जब रात की तारीकी उस पर छा गई, यानी दिन खत्म हुआ, रात आ गई, तो उस वक्त क्या हुआ, क्या ये रहा है? रआ कौकबन, तो उसने एक सितारा देखा, उसने एक सितारा देखा, रात आ गई, सितारा नमूदार हो गया, तुलू हो गया, तो उसने एक सितारा देखा। अब क्या ये रहा है कि काला, उस इब्राहिम ने कहा, क्या कहा? हाजा रब्बी, अच्छा तो इसे तुम कहते हो कि ये मेरा रब है। ये इसका जो डायरेक्ट तर्जमा करना है ना कि हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, इब्राहिम ने कहा, ये बिल्कुल गलत है। ये इसको हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है क्योंकि फिक्रे का पूरा इंप्रेशन जो है ना, वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस वक्त हो सकता था, तो वो हमने पूरा दिया। इसको बोलते हैं सजेस्टिवनेस, सजेस्टिवनेस ये जबान की चीज है, जाहिर है ये अरबी मुबीन में है, तो अरबी एक जबान है, जबान के उसूल होते हैं, उसके अंदर सजेस्टिवनेस आती है। कुछ चीजें जो पढ़ने वाला होता है वो उसके ऊपर छोड़ दी जाती हैं कि वो खुद सोचे कि बात क्या हुई है या हो सकती है। तो ये जो है ना, इसका सीधा मतलब यही कि हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, नहीं नहीं अच्छा तो तुम इसे तुम कहते हो, ये हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये मेरा रब है, अच्छा तो ये है मेरा रब तुम्हारे मुताबिक या तुम्हारे कहने के मुताबिक,
ये है इसके माने। इसके बाद फिर क्या हुआ, कहता है फलम्मा अफला, फिर जब वो सितारा ग़ुरूब हो गया तो फिर क्या हुआ, कहता है काला, तो उसने कहा यानी इब्राहिम ने कहा, क्या कहा, आयत के आखिर में सम अप करके बता रहा है, कहता है ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गायब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। ये तो गायब हो गया, तुम इनको पूछते हो, ये सितारों की पूजा करते थे ना वो, तो तुम इनको पूछते हो, खुदा मानते हो, तो ये तो रात की तारीकी छटने के बाद जब सुबह नमोदार हुई है ये तो गायब हो गए। अब अगर किसी को मुश्किल पेश आए तो वो इनको कैसे पुकारे, वो तो नजर ही नहीं आ रहे, वो तो नजरों से ही गायब हो गए। तो मैं गायब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता, मैं इनको रब नहीं मानता जिनको तुमने रब माना हुआ। समझ आ रही है चीज, ये चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कही और ये बड़ा मुश्किल था उनको कहना। जैसे आज कुरान को सही खालिस कुरान को बयान करना आज मुश्किल है, तो उसी से आप अंदाजा लगा लें कि उस दौर के अंदर वो जो सितारा परस्त थे उनको ये कहना कि मैं तुम्हारे रब, ये जो रब है जिसको तुम मानते हो मैं इसको रब नहीं मानता, तो मुझे ये बताएं कि ये अल्फाज या ये चीज जो है उनके ऊपर कितनी मुश्किल पैदा करती होगी। ये तो उस दौर के ऊपर आप सोचें, उस दौर को अपने आप को पीछे लेके जाए उस दौर में, तो आपको अंदाजा होगा ताकत का दौर था वो, जहालत का दौर था। उस दौर में ये बात कहना बहुत मुश्किल था। वो तो मजहबी पेशवा जिंदा जो है उनको जला देते थे, उनको मार देते थे, उनकी जान के दरपे हो जाते थे जो भी उनके मसलक के खिलाफ कोई थोड़ी सी भी बात करता था। ये कल की बात है कि यूरोप के अंदर ये हालत थी कि किसी के घर से कोई किताब बरामद हो जाती थी तो उसको फांसी दे देता था चर्च, इतना ताकतवर था ये चर्च, ये ऑर्थोडॉक्स, इतना जबर था इनके यहां कि कोई किताब ना पढ़े, ये हालत थी। यूरोप के अलावा तुर्की में देखें, जब ये प्रिंटिंग प्रेस लगाया तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को कुफर करार दिया, हराम करार दिया, इसके ऊपर कुरान को छापना हराम करार दे दिया, इसके ऊपर किताबें छापना हराम करार दे दिया, और इसके ऊपर फिर लड़ाइयां हैं, कत्लो गारत है, तारीख बड़ी पड़ी है। तो सोचें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ये चीज कितनी मुश्किलात पैदा करती हो। तो फिर उनके जो वालिद थे हजरत, वो भी उनके बड़े बाइख्तियार मजहबी पेशवा भी थे और उनके उनके पास बड़े मजहबी इख्तियारात भी थे, वो को आम आदमी नहीं थे उनके वालिद, बड़ी जाहो जलाल वाले, बड़ी ताकत और बड़ी मजहबी ताकत रखते थे वो। तो उनका बेटा इब्राहिम ये बात कर रहे थे कि तुम जिनको रब मानते हो मैं उनको रब नहीं मानता, बड़ा मुश्किल था ये। इसके बाद ये चीज आगे भी चल रही है, तो आज की आयत यहां पर खत्म हुई। तो कुरान करीम का असूल सुम्मा तत्फक्कर, इसकी रूह से आप खुद भी सोचा करें, समझा करें, गौर व फिक्र किया करें। शुक्रिया।